देखिए इसमें अमृत भारत स्टेशन के तहत खर्चा होगा काफी, वही मैं रिव्यू कर रहा था। उस तरफ नई सेकंड एंट्री बन रही, जहाँ नई बिल्डिंग आ रही है, उधर का प्लान बहुत अच्छा है वहाँ भी। लेकिन जो अप्रोच रोड है 5 मीटर 6 मीटर की थी, उसको अब हम कुछ एरिया खाली करा करके, 5 मीटर की किसी भी स्टेशन की अप्रोच रोड होती नहीं। हमारा FOB जो बनेगा वो भी 12 मीटर का है, तो 12-15 मीटर की तो रोड अप्रोच रोड चाहिए। वो वाले के लिए कुछ डिसीजन लिया वहाँ होगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग एंट्री अभी स्टेशन की है वो बहुत खराब है, उसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पार्किंग एरिया, यहाँ वाला जो कुछ कुछ डिसमेंटलिंग करेंगे हम लोग, ये एरिया बढ़ेगा। और अमृत भारत स्टेशन का काम तो अगले साल कंप्लीट होगा, लेकिन उससे लिंक छोटे छोटे बहुत सारे काम जो है उनको प्रायोरिटी कर रहे हैं। जैसे कोच इंडिकेशन बोर्ड, किसी ने बताया हमारा जो पैनल जिसपे ट्रेन ऑपरेशन होता है, पैनल उसमें इंक्लूडेड नहीं है, उसको इंक्लूड करेंगे। तो ओवरऑल जो है वर्क को रिव्यू किया है, और उसमें कुछ चीजें जो जल्दी हो सकती है जल्दी की जाएंगी, और जो ऐड करना था उसको ऐड। ट्रेन की भी मैंने सारे लोगों से बात करके जानकारी ले ली, DRM ऑलरेडी ये भेज चुके हैं बहुत सारी ट्रेनों का प्रपोजल है ना, और वो समय के साथ जरूर होगा। DRM ने ऑलरेडी भेजे हुए प्रपोजल होंगे, सारे काम होंगे, स्टेशन अभी बहुत क्रैम्ड है, स्पेस भी क्रिएट कर रहे हैं, सामने आपने देखा लगेज वाला डाल दिया, सब कुछ थोड़ा जगह भी बने, अभी स्टॉपेज बढ़ाए लोग बढ़ेंगे। सर एक और शिकायत है रेलवे कॉलोनी सर वाटर प्रूफिंग पानी जम जाता है। ठीक है, उसको कॉलोनी तो मैं देख नहीं पाया, DRM ने देखी हुई। थैंक यू, बोल दिया टुकड़ी सील का रेगुलर होना था, अभी भी नहीं हुआ, डेली नहीं हुआ। डिमांड आएगी तो हम क्रिएट करेंगे, आप काइंडली डिमांड मान लीजिए, विल प्रोसेस। जो प्रपोज किए गए हैं उसका सैंक्शन आने दीजिए, है ना, हो जाए, चलिए।